विराट कोहली और कोच राहुल द्रविड़ का ये वाला मूवमेंट काफी ज्यादा वायरल जा रहा है। या दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि T20 वर्ल्ड कप में विराट कोहली का फॉर्म कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। विराट कोहली 7 इनिंग्स में सिर्फ 75 रन बनाए, जिसमें से 2 इनिंग्स में वो डक पर भी आउट हुए थे। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सेमीफाइनल के मैच में भी विराट कोहली सिर्फ 9 रन बनाकर आउट हो गए थे। उसके बाद विराट कोहली बहुत मायूस दिखे और डग आउट में बैठे हुए थे। ये देखकर कोच राहुल द्रविड़ विराट कोहली के पास आए और उनके साथ कुछ बातचीत किए, जो मूवमेंट काफी ज्यादा वायरल जा रहा है। मैच के बाद विराट कोहली के बारे में बात करते हुए कोच राहुल द्रविड़ कहे, विराट के साथ ये चीज हो रहा है कि अगर आप स्लाइडली रिक्स क्रिकेट खेलते हैं तो वो कभी कभी उभर के नहीं आता है। आज भी मुझे लगा कि विराट कोहली ने जो छक्का मारा था वो काफी अच्छा शॉट था और वो टीम इंडिया के लिए टेम्पो भी सेट कर रहा था, लेकिन विराट कोहली अनलकी रहे कि बॉल थोड़ा ज्यादा सीम हो गया और वो आउट हो गया। लेकिन आई लव द इंटेंट, आई लव द वे ही वेंट आउट गोइंग देयर, और वो एक एग्जांपल सेट करता है पूरे ग्रुप के लिए। फॉर सम रीजंस आई डोंट वांट टू जिंक इट, बट आई थिंक देयर इज अ बिग वन कमिंग अप। तो गाइस आपको क्या लगता है T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट विराट कोहली कैसे परफॉर्म करेंगे, मुझे कमेंट में जरूर बताना।